शहर हैदराबाद में पहली बार मलिका फर्नीचर पर फारूक अशरफ की जानिब से फर्नीचर के 10 आइटम्स डबल डोर अलमारी के साथ सिर्फ 15,500 में। महाराजा फर्नीचर स्टाइल या डेकोलियम फर्नीचर के 10 आइटम सिर्फ 15,500 में। इससे ज्यादा की खरीदारी पर बिस्तर का मुकम्मल सेट और एक डबल डोर की अलमारी मुफ्त हासिल कीजिए। 45,000 से ज्यादा की खरीदारी पर स्लीप रिलैक्स मैट्रेसेस 3 साल की वारंटी के साथ डबल डोर अलमारी मुफ्त हासिल कीजिए। बुकिंग खुली है मलिका फर्नीचर वोल्टा एक्स रोड हैदराबाद। हम उसमें कामयाब हुए हैं और कामयाबी इस बात की है कि अल्हम्दुलिल्लाह मस्जिद कमेटी और अहलियाने महिला ने इस बात की तरफ तवज्जो दिलाई का गौर किया कि क्यों ना हम अपने आइम्मा मौज़िनीन मस्जिद के जिम्मेदारान को वक्त से पहले उनके हदियात उन तक पहुँचाएँ, उनके हदिये उनको दे दें, ताकि जिस तरीके से हम अपनी ज़रूरियात की चीज़ें एक महीना पूरा भी हमको मुकम्मल महीना भी हमें कम पड़ता है, तो फिर वो लोग को 27 रमज़ान को या 28 रमज़ान को अगर दिया जाता है तो वो लोग कैसे एक दिन के अंदर अपनी ज़रूरियात मुकम्मल करेंगे। इसी चीज़ के पेश नज़र ये कोशिश की गई और अल्हम्दुलिल्लाह अहलियाने महल्ला के ताउन से हम इसमें कामयाब हुए हैं कि आज पहली ही रमज़ान के चौथी दिन में आइमा और मौज़िनीन को उनके हदिये अदा किए गए। और आज की इस खुशी के मौके पर मैं तमाम ही उन मुसल्लियान तमाम ही मसाजिद कमेटी के जिम्मेदारान से अपील करूंगा कि इस बात की तरफ आप तवज्जो दें और इस बात की तरफ लोगों को रागिब करें कि आप अपनी रकम जो आइमा मौज़िनीन या फिर मुदर्रिसीन या फिर मस्जिद के जिम्मेदारान को जो देते हैं वो वक्त से पहले दें, ताकि वो लोग भी अपनी खुशियों को सही वक्त पर हासिल कर सकें। अभी आप ऐसा प्रोग्राम शुरू करें, अभी दूसरों को भी ऐसा मशवरा देना चाहेंगे क्या अभी? यकीनन ये बहुत बेहतर बात रहेगी और इससे बेहतर काम कोई और नहीं होगा कि अल्लाह सुब्हानहु ताला ने एक ऐसा महीना आपके सामने दिया है और जिसके लिए बारहा जिस माल के लिए बताया गया कि इन्नमा अमवालुकुम व औलादुकुम फितना, सूरह अनफाल में तो वालमु अन्नमा अमवालुकुम व औलादुकुम फितना कहा है अल्लाह सुब्हानहु ताला, तो फिर जो माल फितना है जो औलाद फितना है उसकी तरफ हम फिक्रमंद रहते हैं, लेकिन जिस रकम को जहाँ पर लगाने के लिए हुक्म दिया गया है वहाँ लगाने के लिए अगर हम पीछे रह जाएँ तो ये हमारे लिए बड़ी ही दर्दनाक बात रहेगी। तो मैं सभी से अपील करूँगा मसाजिद के तमाम जिम्मेदारान से कि इस तरफ कोशिश करें, सही करें कि अपने मौज़िनीन आइम्मा और मसाजिद के जिम्मेदारान को रमज़ान मुबारक के अव्वलीन वक्तों में उनके हदिये उन तक पहुँचाए, ताकि वो लोग अपनी सही वक्त पर ज़रूरियात को मुकम्मल कर सकें। शुक्रिया, जज़ाकअल्लाह। तो मैं जो कुछ भी अब इस वक्त यहाँ पर लिफाफे लाए गए हैं खतीब साहब को और इमाम साहब को नजराने पेश किए जाएंगे आज, लेकिन तरावी के इमाम साहब और दूसरे जो जिम्मेदारान हैं उनको इंशाल्लाह जो ही आपके पास से और माँ बाप की रकम आएगी, और इन हजरात को भी जो लिफाफे पेश किए जा रहे हैं वो नामुकम्मल है, अभी उन्हें और रकम अदा करनी है, तो इंशाल्लाह वो रकम भी बहुत जल्द अदा की जाएगी। तो मैं आपसे पुरजोर अपील करता हूँ कि सबसे पहले मैं तमाम उन हजरात का शुक्रिया अदा करता हूँ, फारूक नगर जमाल मंडा मुमताज साहब अब्दुल्ला कॉलोनी और हमारे मकबूल गुलशन कॉलोनी अलताज कॉलोनी, उन तमाम मुसलियान का जिन्होंने दामे देने में सुखने मदद की और ये रकम हासिल हुई। आइए मैं जनाब साले लहदी साहब से गुजारिश करूंगा कि वो आए और अपने हाथों से हबीब साले जुनेदी साहब और हबीब मुस्तफा अलैदरू साहब को ये लिफाफे इनायत करें। जनाब साले लहदी साहब तशरीफ ला रहे हैं, तो मैंने जज़ाकअल्लाह खैर, इंशाअल्लाह ताला मस्जिद के बाहर या फिर दीगर हजरात को जिसका सादका में ऐलान किया गया है अपने अपने हदियात जमा करें, ताकि मस्जिद हजरात के वक्त से कबल उनके हदियात उन तक पहुँचाया जा सके। जज़ाकअल्लाह खैर।